कौवा और सांप। अगले सप्ताह तक तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इन अंडों से बाहर आ जाएंगे। तब हम अपनी अपनी चोंच में इनके लिए खाने की चीजें भरकर लाएंगे। खाना लेने चलते हैं दोनों। कुछ तो बोलो रानी। चुप रहो, तुम भी अब चोंच बंद रखना सीखो, नहीं तो बच्चों का खाना गिर जाएगा। हाय, बहुत बुरा हुआ, यह दुष्ट सांप तो कौवे और कवी के अंडे खाए जा रहा है। हाय हाय, रानी हमारे बच्चे तो दुनिया में आने से पहले ही मर गए। ओह ओह, मेरे बच्चे, अब मैं किनकी चोंच में खाना डालूंगी? प्यारी गिलहरी, हमारे अंडे कौन ले गया, कुछ तो बताओ। इस पेड़ के कोटर में रहने वाला काला सांप तुम्हारे अंडे खा गया। मैं इस सांप को जरूर दंड दिलवाऊंगा। मगर कैसे, उसमें तुमसे ज्यादा शक्ति है। कैसे का जवाब तो मैं कल करके ही बताऊंगा। भाई चीमा, तुमने अपना फोन और ईयरफोन खुले में चट्टान पर छोड़ दिया, कोई चुरा कर ले गया तो? भीमा, बेकार की बात मत करो, हम पुलिस वालों की चीज कोई नहीं चुरा सकता। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तुमने तो कहा था कोई नहीं चुरा सकता। काला चोर चुरा कर ले जा रहा है तुम्हारा ईयरफोन। अरे अरे, उस चोर ने तो ईयरफोन को पेड़ के कोटर में गिरा दिया। रुक जा काले कौवे, लो बाहर आ गया तुम्हारा ईयरफोन, मगर यह तो सांप के मुंह में है। तो आओ पहले डंडे से इस सांप को ही मार डालें। मार दिया सांप को, अब मारते हैं कौवे को। छोड़ो कौवे को, मेरा ईयरफोन मिल गया, इतना ही बहुत है। कौवा था बड़ा चालाक, मिल गया इस दुष्ट सांप को अंडे खाने का दंड। धन्यवाद पुलिस भाई। शाबाश कौवे राजा, चोरी करके अपने आप मरवा डाला हमसे सांप। गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, पढ़ाई हो जो करनी, पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, जरा भी ना घबराना, गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया। बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना।